अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूँ आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFD रिपेयरिंग लैब। तो जैसे मैं आपको पता है कि मैं VFD के ऊपर वीडियो जो है बनाता रहता हूँ, तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि आप जो है VFD के अंदर लगे ब्रिज रेक्टिफायर और IGBT मॉड्यूल को कैसे मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर के साथ, यानी कि कैसे आप देख सकते हैं कि ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर और IGBT ठीक है या ख़राब है। तो इसके लिए अगर तो फ्रेंड्स आपसे पहले की तरह हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो अपडेट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको एक चाहिए मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर के बारे में जान लें। मल्टीमीटर को आपने डायोड पर सेट कर लेना है, ये देख सकते हैं। ये डायोड पे सेट करने के बाद आपने करना क्या है, ये मल्टीमीटर की दो वायर होती हैं और ये इसके कनेक्शन है, यानी कि ये यहाँ पे इनपुट AC सप्लाई जहाँ पे मिलती है, यानी कि ये रेक्टिफायर को जाएगी, रेक्टिफायर से DC बनेगी, DC जो है वो इधर आ जाएगी। तो ये आउटपुट है UVW। तो करना आपको क्या है, मल्टीमीटर की दो वायर होती हैं रेड और ब्लैक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो करना क्या है, आपने पहले तो पॉजिटिव जो है उसके ऊपर जो है आपने मल्टीमीटर की नेगेटिव वायर को रख लेना है। रखने के बाद आपने करना क्या है, पहले आप जो है अपने रेक्टिफायर को टेस्ट कर लें। ये देख सकते हैं डायोड की वैल्यू दे रहा है रेक्टिफायर R, फिर S के ऊपर रखें, ये देख सकते हैं। फिर T के ऊपर भी ऐसे ही चेक कर लें। तो इसका मतलब है कि आपका जो रेक्टिफायर है यानी ब्रिज रेक्टिफायर वो ओके है इसका। इसके बाद आपको चेक क्या करना है, UVW यानी आउटपुट जो IGBT की है, ये देख सकते हैं ये भी डायोड की वैल्यू दे रहा है। अगर तो आपका IGBT ख़राब है तो यहाँ पे जो है वो यानी 00 हो जाएगा। 00 का मतलब है कि ये आपका IGBT शॉर्ट है। रेक्टिफायर का भी ऐसे ही होगा। तो इस तरह आपने V को भी चेक कर लेना है। इसी तरह आपने W को भी चेक कर लेना है। तो ये तो हमने चेक कर लिया पॉजिटिव के साथ, तो अब हमने चेक करना है नेगेटिव के साथ। तो नेगेटिव पे भी पहले रेक्टिफायर को देख लेते हैं। ये देख सकते हैं R वो डायोड की वैल्यू दे रहा है, S डायोड की वैल्यू दे रहा है, T डायोड की वैल्यू दे रहा है। इसी तरह आपने आ जाना है IGBT पे अपने, ये देखें डायोड की वैल्यू दे रहा है, U और V डायोड की वैल्यू दे रहा है, W डायोड की। तो इसका मतलब है कि आपका रेक्टिफायर भी ओके है और आपका जो IGBT है वो भी ओके है। तो इसके बाद तो गेटों के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी दोबारा भी मैं डिटेल से बना दूंगा वीडियो। तो इसके बाद अगर ये तो IGBT और रेक्टिफायर की पावर जो है वो चेक हो गई है, तो अब गेट जो है वो कैसे चेक करनी है वो भी आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के साथ ही।
तो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो कि रेक्टिफायर और IGBT को कैसे मल्टीमीटर के साथ आप मेजर कर सकते हैं कि आपका IGBT और रेक्टिफायर जो वो सही है या शॉर्ट है, तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।